आज के इस दौर में कंपटीशन बहुत है, सब एक दूसरे को पीछे करने में लगे हैं, फिर वो चाहे कलाकार हो या फिर पत्रकार या आप कोई और भी सेक्टर ले लीजिए। लेकिन प्रॉब्लम तब हो जाती है जब एक पत्रकार एक कलाकार को टफ कंपटीशन देने लगे। कैसे, वो आगे अभी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको एक एक्टर के बारे में बता दें ताकि बात समझने में आसानी हो। इन्हें तो आप जानते ही होंगे, नाम है कादर खान। हालांकि अब ये दुनिया में नहीं है, लेकिन इनका नाम, इनका काम, इनकी एक्टिंग आज भी जिंदा है। कॉमेडी के बादशाह माने जाते हैं, लेकिन आज इनके कंपटीशन में एक पत्रकार खड़ा हो गया है जो इन्हें कड़ी टक्कर देता हुआ दिखाई दे रहा। पत्रकार वर्सेस कलाकार के कंपटीशन में किसकी एक्टिंग का भार ज्यादा है वो आप कमेंट में जरूर बताना। हाँ, क्या मांगता भाई, क्या है खाने में? चिकन मसाला, चिकन फ्राई, चिकन करी, चिकन बिरयानी, मटन मसाला, मटन फ्राई, मटन करी, मटन मलाई, मटन हलवाई, मटन पनीर, मटन कोफ्ता, दाल फ्राई, दाल मखनी, रोटी है, चावल है, बोलो क्या ले जाओ? आबादी पार्टी निटाला, आबादी पार्टी किलारी, आबादी पार्टी प्रेमनगर, बीजेपी मोदी नगर, आबादी पार्टी करोल बाग, आबादी पार्टी कालका जी, बीजेपी सासबा देरी, बीजेपी मौजपुर, आबादी पार्टी बिजवासन, आबादी पार्टी गांधीनगर, आबादी पार्टी सिविल लाइन, आबादी पार्टी मंगोलपुरी, आबादी पार्टी सुल्तानपुरी, आबादी पार्टी संगम पार्क, बीजेपी देवनगर, आबादी पार्टी रामनगर, बीजेपी मादीपुर, आबादी पार्टी इंदरपुरी, आबादी पार्टी पुष्पविहार, बीजेपी दक्षिणपुरी, आबादी पार्टी नंदनगिरी, आबादी पार्टी जौनपुरी, आबादी पार्टी सबोली, आबादी पार्टी वजीरपुर, आबादी पार्टी वेस्ट पटेल नगर, आबादी पार्टी बदरपुर, आबादी पार्टी न्यू अशोकनगर, बीजेपी विश्वास नगर, आबादी पार्टी हर्ष विहार, आबादी पार्टी मयूर विहार, बीजेपी शास्त्री पार्क, बीजेपी आर के पुरम, बीजेपी मालवीय नगर, बीजेपी कमला नगर, आबादी पार्टी मुस्तफाबाद, बीजेपी कॉलम, बीजेपी मुबारकपुर, बीजेपी रोहिणी सी, बीजेपी वसंत कुंज, बीजेपी ग्रीन पार्क, बीजेपी नंदली सरस्वती, बीजेपी रोहिणी डी, बीजेपी गिरपुर, बीजेपी मुखर्जी नगर, बीजेपी राजौरी गार्डन, बीजेपी और विरोध नगर। पत्रकार का नाम प्रदीप भंडारी, इंडिया न्यूज में एंकर है और इस तरह के कारनामे अक्सर अंजाम देते रहते हैं। और जब वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में इंडियन मीडिया की रैंक 150 आती है तो चिल्ला चिल्ला के कहते हैं, देखो ये तो इंडिया को बदनाम करने की साजिश चल रही, ये पश्चिमी देशों की चाल है। लेकिन ये अपना हाल नहीं देखते कि आखिर क्यों ये 150 रैंक पर पहुंच गए हैं। इन पत्रकारों की वजह से कलाकारों में डर का माहौल बन गया है कि कहीं ये यूथ को बेरोजगार बनाते बनाते उन्हें भी ना बेरोजगार बना दें। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में।